अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है तमरेश, मैं जियोन सिटी का सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हूँ। तो आज हम आपके लिए लाए गेम डियास की कुछ एसेसरीज, जो कि जिसमें कीबोर्ड है, हेडफोन है और कीबोर्ड है। तो चले मैं इनका आपको रिव्यूज देता हूँ, बताता हूँ इनकी क्या स्पेक्स है, कैसी परफॉर्मेंस है और क्या RGB है, नहीं है, जो भी है मैं आपको डिटेल्स देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको रिव्यू दूंगा हीबी गेम डियास हीबी P1A, इसका मॉडल है। तो इसके साथ सबसे पहले इसका एक बैग आ जाता है, USB वाला ये हेडफोन है। इसके साथ छोटा सा साउंड कार्ड टाइप आ जाता है, जिसमें आप लाइट कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी RGB कंट्रोल कर सकते हैं, माइक बंद खोल कर सकते हैं, आवाज़ बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं यहाँ से। और इसमें इस बेस का ऑप्शन होता है, जैसे आप कोई गेम खेल रहे हो तो बेस ऑफ कर दें, और अगर आपको कोई गाने वाने सुनने हैं तो आप बेस ऑन कर सकते हैं। काफ़ी सॉफ्ट होता है ये, तो आप इसको अगर 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा भी पहनेंगे तो इंशाल्लाह आपके कानों में इससे दर्द नहीं होगा। काफ़ी स्लीक डिज़ाइन है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है गेम डियास का हर्मस M5A, जो कि मैकेनिकल कीबोर्ड है, ब्लू स्विचेस। तो इसमें सबसे पहले ब्लू स्विचेस आते हैं और ये एक बड़े स्टाइलिश यूनिक डिज़ाइन में आता है, जो कि आधी कीज़ इसकी ऑरेंज है और आधी कीज़ इसकी ब्लैक है, ग्रे है। तो इसका मैं आपको लाइट चेक करवा देता हूँ। लाइट आप चेंज भी कर सकते हैं। बस बंद कर, सही है जी। तो हमारे पास नेक्स्ट प्रोडक्ट है गेम डियास हर्मस M5, वो जो मैंने आपको पिक्चर दिखाया था वो ब्लैक कलर था, ये व्हाइट कलर है। ये भी काफ़ी यूनिक डिज़ाइन में आता है, इसमें हाफ पीस वाइट होती है, हाफ पीस ब्लू होती है। मैं आपको इसकी लाइट चेक करवाता हूँ, ये ब्लू लाइट में होता है। ये भी ब्लू स्विचेस होता है, मैकेनिकल कीबोर्ड होता है, लेकिन इसकी जो लाइट होती है वो ब्लू होती है। जो मैंने आपको लास्ट दिखाया था वो RGB था, लेकिन ये जो है ये ब्लू लाइट होता है। इसमें भी आप लाइट एडजस्ट कर सकते हैं, लाइट की सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। ये भी ब्लू स्विचेस होता है। ना जी, तो ऐसे और रिव्यूज के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा और हमारी प्रोडक्ट्स कैसे लगे। जज़ाकअल्लाह।